नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज ऑफ अर्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के अर्थतंत्र के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है। सोचिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए इतनी बड़ी न्यूज है कि इससे भारत के व्यापार की कायाकल्प हो जानी है, ये मान लीजिए। और ख़ास करके ये जो खाड़ी देश हैं वहाँ पर। आइए दोस्तों, समझते हैं कि ऐसी न्यूज है क्या और इससे भारत के बिजनेस में कैसे प्रभाव पड़ेगा और कितना प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी जो खबर आ रही है ये खबर ओमान से है। ओमान एक खाड़ी देश है, गल्फ कंट्री है, ये GCC कंट्री जो है उनमें से एक ओमान भी है। दोस्तों, मोदी सरकार जो आ चुकी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ले ली है और इन्होंने अपने 100 दिन का एजेंडा फिक्स कर दिया है कि इनकी सरकार आने वाले 100 दिनों में क्या काम करने वाली है। उसमें से एक काम ये है कि भारत और ओमान दोनों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने हैं। अब दोस्तों, जैसे भारत और ओमान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, इससे ये समझ लीजिए कि भारत के 90% सामान ओमान की मार्केट में मिलने लगेंगे, मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा इंडिया को। ऐसा ही इंडिया के मार्केट का एक्सेस ओमान को मिल जाएगा, तो इसका जो फ़ायदा होगा वो बेसिकली भारत को ज़्यादा होगा। आइए समझाता हूँ दोस्तों क्यों और कैसे। दरअसल दोस्तों, अभी 2019 की बात है, उस वक्त भारत और ओमान दोनों के बीच का जो बिजनेस हुआ करता था, बायलेटरल ट्रेड, वो हुआ करता था $5 बिलियन का। ये दोनों देशों के बीच का बिजनेस था और ये $5 बिलियन से ये बढ़कर 2023 में $12 बिलियन हो गया, बल्कि $12.5 बिलियन हो गया। अब दोस्तों, ये तो हमारी पिछले 4-5 सालों में एक ग्रोथ थी दोनों के बायलेटरल ट्रेड में, लेकिन इससे क्या था दोस्तों कि ये हम ओमान से एनर्जी के रूप में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो ये ट्रेड जो बैलेंस है ये हमारे खिलाफ था, हमारे लिए इसमें फ़ायदेमंद नहीं था। लेकिन 2019 और 2023 अगर दोनों की बात करें तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। दोस्तों क्या था कि 2019 में भारत जो ओमान को एक्सपोर्ट करता था वो करता था $2.25 बिलियन, यानी कि $2.25 बिलियन, इतने का हम एक्सपोर्ट किया करते थे। और 2023 की अगर बात करें तो ये लगभग डबल हो गया है। तो इट मीन्स कि हम जो पहले करते थे अब उसका 2 गुना करने लगे एक्सपोर्ट। तो अब हुआ क्या, अब हो गया है ये $4.5 बिलियन। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने तो डबल कर लिया, लेकिन क्या ओमान कर पाया? ओमान नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा जो टोटल ट्रेड है वो है $12 बिलियन का, जिसमें कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो $4.5 बिलियन का है। जिस स्पीड में हमने बिजनेस को ग्रो कर दिया है, ओमान नहीं कर पाया है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि ओमान का जैसे ही हमें मार्केट मिल जाएगा तो इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ पे अच्छे से बिकेंगे, हमें वहाँ की मार्केट का एक्सेस मिलेगा और भारत का जो प्रोडक्ट होता है वो सस्ता होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और सस्ती भी होती है, इसलिए वहाँ के लोग भारत के प्रोडक्ट को वहाँ पर काफ़ी एक्सेप्टेंस मिलेगी। क्योंकि हमें दिख रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे बिक रहे हैं ज़्यादा। तो जब हम वैसे अपना बिजनेस बढ़ा लिया है हमने, तो जब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो उससे हमारा प्रोडक्ट सस्ता और हो जाएगा और वो वहाँ के मार्केट में लोग एक्सेप्ट करेंगे और वो हमारी ग्रोथ और बढ़ाएगा। जो अभी हमारी ग्रोथ इंजन है फाइनेंशियल जगत में, वो और तेज़ी से आगे बढ़ेगा वो इंजन, ये समझ लीजिए। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और ये मोदी सरकार जैसे काम करती है उसके काम करने में ये तो तय है कि वो अगले 100 दिन का जो उन्होंने एजेंडा बना लिया है वो उसको पूरा कर लेंगे, ऐसा देश की जनता को विश्वास है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। हालांकि ये मोदी गवर्नमेंट तो नहीं कहना चाहिए, इसको NDA की गवर्नमेंट बोलना चाहिए, सही शब्द तो यही है,
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है जो इनके घटक दल हैं उनके साथ। तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा जैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो GCC कंट्री है उसमें सऊदी अरब भी आता है, उसमें बहरीन भी आता है, ओमान भी आता है, कतर भी आता है और UAE भी आता है यानी कि दुबई UAE। उसमें तीसरा सबसे बड़ा जो बिज़नेस पार्टनर है हमारा वो ओमान है। तो दोस्तों जब हमें इतना बड़ा बिज़नेस पार्टनर मिल रहा है, अगर वहाँ से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, भारत के मार्केट के लिए भी अच्छी बात है और हमें नए देश की एक मार्केट मिल जाएगी वो भी अच्छी बात है। तो दोस्तों अब आगे पता लगेगा कि इसके परिणाम क्या निकलते हैं और वो हमारे फेवर में रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो दोस्तों इस पे जैसे जैसे कुछ अपडेट आएगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।